नजर पकेबा वर्तमान समय एक बड़ खबर उपरे ब्रह्मपुर आसुची एक दुर्घटनार खबर एवं यह निश्चय समस्त को मर्माहत कर दुखदायक खबर कारण बिवाह को मात्र 4 दिन बीती नवदंपति मृत्यु होता जमापड़ी बहर 4 दिन नपुरुणु नवदंपति मृत्यु हो खबर आसुची ब्रह्मपुर गोलंथरा थाना अंचल अर्थात थाना आगे ट्रैक्टर धक्का देछि जहाँफल नवविवाहित नवदंपति मृत्यु हो गत 10 तारीख में उभयों बहुत होता है बिवाह को 4 दिन बीती अकाल दुई दुईटी जीवन चली जा बाइक रे उभय जीवा समय रे सामना पटु आसुवा एक ट्रैक्टर धक्का देता उभयों घटनास्थल मृत्यु होता सूचना आसुची पर धक्का देता ट्रैक्टर ड्राइवर फेरार हो जाए अधिक सूचना पर कैलाश आम प्रतिनिधि आम सहित जोड़ते कैलाश सूचना कौन अच्छी आप घटना घटला देखो निहत पाखापाखि 8 रु 8:30 समय भाव दुर्घटना घटी जहाँकि निश्चित गोटे दुखदायक घटना और जहाँकि ब्रह्मपुर उपखंड जो रही गणतरा थाना थाना सम्मुखर यह दुर्घटना घटी जे रही ब्रह्मपुर सहर सीएस प्रबणिका और इठापुर जी वेणु उभय बह करते जहाँकि गत 10 तारीख में सीमांचल मंदिर बह करने गत भोज मोहम्मद होता जहाँकि इच्छापुर इच्छापुर भोजी होगापर जो तेलुगु संप्रदायर जो रीतनीति रही से रीतनीति अनुसार उभय एक ग्लैमर बाइक जगे आसुले निज घर को जहाँकि जो शाशुघर रोचे वेणु को से आसवा समय गणतरा थाना सम्मुखें जेहेतु गोटे बुलाणी पड़ू और से समय अपर पक्ष आसुवा एक ड्रिल ट्रैक्टर बोली कहुच्छे ड्रिल ट्रैक्टर हटा धक्का देता जहाँफल उभय वेणु और प्रबणिका रास्ता बास को छिटिक पड़ते घटनास्थल में जो स्थानीय बासिंदा रही है से गुरुतर अवस्था ब्रह्मपुर एमकेसीजी मेडिकल को जहाँकि स्थानातर करते चिकित्साधीन अवस्था उभयों मृत्यु होमकेसीजी मेडिकल डाक्टर सूचना देखते घटना हेपर ट्राक्टर जो ड्राइवर रही से मत घटनास्थल फेरार होती तेरे एने सूचना पाइबापर गणथना थाना पुलिस घटनास्थल में पहुंची और तदंत आरंभ कर विभिन्न स्थान में चढ़ाव जा रखी तेरे दुख दुर्घटना जे बाहर जो 4 दिन हूँ आज जहाँकि गत 10 तारीख में बहुत होते 4 दिन भितर ही भाव दुख दुखद घटना उभय पर संपूर्ण रूपे दुख देती जेहेतु दु जन उभयों मृत्यु होती मृत्यु होगा पर ब्रह्मपुर एमकेसीजी जो शव गृह जो रही से शव गृह में बर्तमान दुई जन मृतदेह को रखा जाती है और आसंता का 10:00 रु 11:00 सकाल समय उभयों शव को व्यवस्थित बर्तमान सूचना मिली बिल्कुल कैलाश निश्चय ये तो दुखदायक घटना आम कहीपर बहर 4 दिन बीती अकाल नवदंपति जीवन जीवा यहाँ सहजरे कई ग्रहण करें ना अंपटे कैलाश आम साधारण तो देखे कि बह परे परे 8 दिन 9 दिन जाए घर बाहर किए कि एने के परिस्थित घर बाहरी मोटरसाइकल जाते देखो निदी कह तेलुगु संप्रदायर जो परंपरा रही से परंपरा अनुसार बह होता सीमांचल मंदिर उभयों बह होता नहीं रही वेणु जी वेणु जी रही इच्छापुर पुओर मामू जी रही संपर्क से जहाँकि गणमाम निकट में सूचना देते शुक्रवार दिन सीमांचल मंदिर बह होता जहाँकि तेलुगु संप्रदायर रीतनीति अनुसार सहित जहाँकि रविवार दिन गत भोजी इच्छापुर अनेक उभयों पर समेत अनेक संपर्क मैंने आसने बहुत आडंबर सहित बह भोजी संपूर्ण होता है आज जो रीतनीति अनुसार से बाहरी इच्छापुर ब्रह्मपुर को आसुते जहाँकि हनुमान नगर गोटे अच्छी ब्रह्मपुर सहर हनुमान नगर निकट में जो गौर साहि रही से गौर साहि जो झील रही प्रबणिका घर को आसने घर को आसवा समय ही दुर्घटना होती जहाँफल उभयों मृत्यु होती है जहाँ को नहीं संपूर्ण रूपए शतागोल परेश सृष्टि बिल्कुल सड़क दुर्घटना दुई दुईट जीवन नहीं जाइए और सबुठ दुख और परितापर विषय हो बह हो मात्र 4 दिन एवं 4 दिन पर जो नुआ जीवन गढ़ा कथा नुआ संसार गढ़ा कथा से अकाल दुईजों वियोग हाँ निश्चय समस्त को मर्माहत करबर जी भी शुणु स्वाभाविक भाव में भावु कि ये कौन घटिगला एभली कौन होगा कैलाश अंपटे मृतदेह बर्तमान के पर लोक पहुंचे कि पुलिस कौन कौन केतुद्धा के मृतदेह हस्तांतर हो पर लोक देखो निहत जिते घटना घटला पाखापाखि 7 रु 8 राति समय घटना घटा पर स्थानीय लोक जहाँकि पर लोक सूचना देते थाना पक्षर पर लोक कहला प्राथमिक भाव और अंपटे जो स्थानीय बासिंदा कि जहाँकि एमकेसीजी मेडिकल को स्थानातर करते गुरुतर अवस्था और एमकेसीजी मेडिकल जो वरिष्ठ डाक्तर मैंने से चिकित्सा लागू पड़ते तेज चिकित्साधीन अवस्था उभयों मृत्यु होता है मृत्यु पर जहाँकि बर्तमान शवगृह जो रही से शवगृह उभयों मृतदेह रही
कल सकाल जहाँ सूचना मिली एमकेसी मेडिकल फांडी 10टा 11टा सकाल समय उभय जो मृतदेह रही शव को व्यवच्छेद करवच्छेद करने जो अन्य जो जहाँकि पुलिस अन्य जो कार्य रही से इनक्वेस्ट हम एवं परवर्त समय दुईट मृतदेह को परिवार को हस्तांतर कर धन्यवाद कैलाश आपन को सूचना पाई। उत्कल विश्वविद्यालय गंडगोल घटना गिरफ मानस साहू और संजय मल्लिक को आज कोर्ट चालाण कर एकाधिक दफारे दुई अभियुक्तों नाँ में मामला रुजु करी कोर्ट चालाण कर पुलिस गिरफ दुई छात्रों विरोध में आईपीसी दफा 341 323 294 427 506 एवं 34 आईपीसी मामला रुजु कर पूर्व शहीद नगर थाना पुलिस दुई जनक अणछात्र दर्शाई सारी सिटीजन फोरम पक्षर आलोचना चक्र चलुता बेले किसी अणछात्र दिल्ली जेएनयू प्रोफेसर को आक्रमण करथिबा नै फोरम पक्षर शहीद नगर थाना रे एतला दिया जाइथिला एवं परवर्ती समय रे दुई जन अणछात्र को गिरफ्त करी कोर्ट चालान करा जाइछि। पुरी प्रवेशपथ बीरहरे कृष्णपुर छकरे उड़िला विशाल त्रिरंगा फ्लाग फाउंडेशन ऑफ इंडिया एवं जातीय राजपथ कर्तृपक्षों मिलित सहयोग में 108 फुट्र जातीय पताकार लोकार्पण करिसंति राज्यपाल। उत्सव में फ्लाग फाउंडेशन ऑफ इंडिया सभापति नवीन जिंदल पुरी जिलार समस्त विधायक और सांसद प्रमुख उपस्थित थे। पुरी प्रवेश पथरे 108 फुट उच्चरे उड़िला स्मारकी जातीय पताका स्थापन करिछि फ्लाग फाउंडेशन ऑफ इंडिया। फ्लाग फाउंडेशन ऑफ इंडिया तरफ एजावत 106 स्थान रे एहि स्मारकी जातीय पताका स्थापन करा जायछि। पुरीर ऐतिह गां वीर हरेकृष्णपुर छकरे 108 फुट उच्च 36 फुट लंब और 24 फुट चौड़ारे एहि विशाल पताका को स्थापन करा जायछि। राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल यहाँ उत्तोलन करते प्राय 1.5 टन ओजन स्तंभ उपरे उड़ी देशर स्वाभिमान प्रतीक आम जातीय पताका 250 किमी बेग पर्यंत पवन को मध्य सहयोग कर पार यह पताका आम राज्य में पूर्व बड़बिल सुंदरगढ़ बणई भुवनेश्वर किस परिसर रे यही स्मारकी स्थापन कर 108 फुट जातीय पताका आज नवीन जिंदल आ सालू जिंदल जो आज प्रतिष्ठा कले मुझे धन्यवाद देवी महामहिम राज्यपाल महोदय हाथ में आज ये पवित्र कार्य महान कार्य को संपादन कर जिला प्रशासन को कह केमी मेंटेनेंस हम से जो फ्लैग फाउंडेशन अच्छी ता सहित कथबार्ता करी यार केमी मेंटेनेंस हम प्रत्येक दिन एक रक्षणाबेक्षण हम एवं यार महत र प्रभु जगन्नाथ को जो रास्त आसती प्रभु जगन्नाथ को मंदिर को लोक लक्ष्य रखुता आम जानचे बाकी प्रभु जगन्नाथ को मंदिर देखा जाए प्रभु जगन्नाथ को मंदिर सहित ये जातीय पता बर्तमान लोक आसिक निश्चित भाव में देखा यहपर भाव में एक कार्यक्रम नहीं आम निश्चित भाव में धन्यवाद देव कृतज्ञता जनइबु। शिल्पपति तथा सांसद नवीन जिंदल सुप्रीमकोर्ट में आईनगत लड़े जीतवा वर्षर समस्त दिन गर्वर सह जातीय पताका प्रदर्शित करने भारतीयों को अधिकार मिली अधिक रु अधिक भारतीयों द्वारा त्रिरंगा पताका को लोकप्रिय करने पत्नी सालू जिंदल फ्लाग फाउंडेशन ऑफ इंडिया प्रतिष्ठा कर समग्र भारत वर्ष में 100 रु अधिक त्रिरंगा स्थापन कर संस्था। संसद में लिखा हुआ ये तो धर्म तत्व जय लिखा हुआ सत्य में जय थे इसका मतलब है सत्य को परेशान तो हो सकता है पर पराजित नहीं हो सकता। तो कुल मिलाकर आज का जो मैसेज है वो ये है कि भारत विश्व वंदनीय बनने जा रहा है और इसमें आप सबका सहयोग अपेक्षित है। जातीय पताका आम मन में जो सम्मान आम जातीयता भाव नेशनल इंटीग्रिटी यूनिटी एवं सॉवरेनिटी जोटा तार ऊपर जोटा अच्छी जोटा आमको सांविधानिक अधिकार देसी ताकू आम सब आहरी ऊपर को नापाई उच्चतर शीर्ष को नापाई आम मन में जातीयता भाव भरीदे। पुरी में प्रवेश कले सुउच्च त्रिरंगा को देखिए सारा विश्वर आसुवा अगणित पर्यटक। पुरी अक्षय कुमार मिश्रों रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया।
विरोधी कांग्रेस एवं बीजेपी सीएमसी काउंसिल बैठक बर्जन एवं धारणा प्रसंग एबेबी सीएमसी ऑफिस मुख्य गेट सम्मुखें धारण में बसिंट उभय बीजेपी एवं कांग्रेस कॉर्पोरेटर सीएमसी निर्वाही जंत्री डीआर त्रिपाठी बदली दाबी धारणा घटनास्थल में विधायक महम्मद मुकिम पहुंची कॉर्पोरेटर को बुझासुझा करते मेयर सुभाष सिंह पहुंची आलोचना करते तेज निज जिद्रे अटल अच्छा कॉर्पोरेटर चंदन बाबू इश्यू दल तेज म्यूनिशपाटी विरोध कर नुआ काउनसिल एकदा चेस बोर्ड रहर परिगणित होता बलांगीर सहर एवं अपराधी चराभू पलटि दिन दुईपहर में अपराध घटाई अनायास खसी पलाऊँच अपराधी जहाँ को नहीं रास्ता को ओह्लर बुद्धिजीवी स्वेच्छासेवी और सामाजिक संगठन एने एक शोभा कोसर कलामंडल पड़िया बाहरी एसपी अफिस् पर्यंत जाठार होमयज्ञ सहित एने एसपी को एक दाबीपत्र प्रदान कर सूचना अनुसार गत किछि दिन हला सहर रे आईन श्रृंखला परिस्थिति बिगड़ी केउठी दिन दुईपहर रे आक्रमण करा जाउछि तो आउ केउठी घरे पसी दंपति को आक्रमण होइछि सहर रे क्रमागत हिंसा बढ़ुथिबा लोके भवितथा सहरवासी अभियोग करिछन्ति सेबडे अपराध को रोकिबा पई टास्क फोर्स गठन करा जाइछि लोके सहयोग कले पुलिस को सुफल मिलिबो बोली बलांगीर एसपी कहिछन्ति शांति यज्ञ रे शांति यज्ञ करूछु जेंटा कि होम यज्ञ करा जिबा होम यज्ञ रे शांति होबा हाँ जदि पुलिस प्रशासन नहीं कला बोले तो आम ऊपर बाला उपरे भरसा जेनटा आमर किसी विपद पड़े आम ऊपर बाला के याद करसू हेनटा आम शांति सभा शांति सभा यात्रा शांति होम यज्ञ माध्यम रे बलांगीर शांति फेरी आबा बोली करी आशा अछि एबे बलांगीर रे जेन हिसाब रे क्राइम बढ़ी चली छे एबे डर लगुचे घर बाहर बाकी डर लगुचे संध्या हो गले एंता लगुचे कि संध्या गणा एबे तो दिन दहाड़े हमके डर लगुचे घर बाहर बाकी जेन हिसाब रे क्राइम रेट बढ़ी गलान एंड पुलिस प्रशासन जेहेतु तांकर पाखे गोटे पावर अच्छे तो सेमाने तांकर पावर के पॉजिटिवली यूज करते आउ अवेयरनेस प्रोग्राम माने करते इवन क्रिमिनल मन के दरकार पड़ुचे रिहेबिलिटेशन सेंटर भी जदि पठाते बोले मे बी क्राइम रो परसेंटेज किछिटा कमी पारता बलांगीर एसपी गोर संगरे आमर आलोचना हिचे सकारात्मक आलोचना होचे से आमको प्रतिश्रुति देछनजे अपराधी दमन प्रक्रिया को आहुरी त्वरान्वित करबे आहुरी कड़ाकड़ी करबे आमे भी तांको आज जणे देछु बलांगीर रो गोटे सचेतन नागरिक हिसाब रे आमे युवगोष्ठी आज जणे दिया छु आपनकर अपराधी दमन प्रक्रिया के आहुरी जदि त्वरान्वित नै करबे आगामी दिन रे बलांगीर जनसाधारण रो आक्रोश रो शिकार हेबार पड़बा जत्ते की केस रजिस्टर हेचे आमे पाखरे प्राय सब केस रे डिटेक्शन हे जाय छे ता भीतर जो मुख्य अक्यूज थिले तांको अरेस्ट कराई और तांको संगीन दफा रे अरेस्ट कराई कोर्ट को फॉरवर्ड कराई जो जिनस दु चार्टा केस भीतर एक्शन बाकी अच्छी ता भीतर मु इंस्ट्रक्शन दे देछि गोटे स्पेशल स्क्वाड गठित करिकी तांको आमे निश्चित भाव रे धरिबो और जो राउडी एलिमेंट अछंती आमे निश्चित भाव रे 110 नहेले एनएसआर प्रपोजल तांका अगेंस्ट रे देबो
ନିମ୍ନମାନର ଡ୍ରେସ୍ ଏବଂ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନକୁ ନେଇ ତାତିଲେ ଅଭିଭାବକ, ସ୍କୁଲରେ ପକାଇଲେ ତାଲା, ରାସ୍ତାରେ ବସି ପଢ଼ିଲେ ପାଠ। ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିରିଡ଼ି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତେନ୍ତୁଳିଆ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ। ସ୍କୁଲରେ 40ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ପିଲାଙ୍କୁ ନିମ୍ନମାନର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଏବଂ ଡ୍ରେସ୍ ଦିଆଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏବଂ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେବା ପରେ ଶେଷରେ ସ୍କୁଲରେ ତାଲା ପକାଇଥିଲେ କମିଟି। ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ପରେ ତାଲା ଖୋଲାଯାଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ହେଡ଼ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ଚାର୍ଜ ଆମର ଗାୟତ୍ରୀ ଦାସ ନେଇଛନ୍ତି। ସିଏ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୋତେ କୌଣସି ହିସାବ କିତାବ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ଚାଉଳ ମନକୁ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି, ଡ୍ରେସ୍ ଯେଉଁ ଖରାପ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମକୁ ଆମ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ସେ ଡ୍ରେସ୍ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି, ଖରାପ ଡ୍ରେସ୍ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି। ତାପରେ ପଇସା ପତ୍ର କୌଣସି ହିସାବ ଦେଉନାହାନ୍ତି। 2 କିଲୋ ଆଳୁ, 1/2 କିଲୋ କଖାରୁରେ ଡାଲମା ହେଉଛି, ଛୁଆ 40 ପିଲା କେମିତି ଖାଇବେ? 40 ପିଲା, 50-60 ପିଲା ଆମର। ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଆମର ଏ ମାଷ୍ଟର, ଆମର ଏ ଦିଦି ଏଠି ରହିବେ ନାହିଁ। ଖାଦ୍ୟ ଯଦି କୌଣସି ମେମ୍ବର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବେ, ଏମାନେ କହିବେ କ'ଣ ନା ତମେ ନିଜେ ଆଣି ରୋଷେଇ କରିଦିଅ ଏଠି, ବୁଝିଲେ କି? ପ୍ଲସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ସ୍କୁଲର ସବୁ ଅନୁଦାନ ଆସୁଛି, ସେ ଅନୁଦାନର ହିସାବ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜି ନୁହଁ। ପଛ ବର୍ଷର କରୋନା ପିରିୟଡ଼ ଚାଉଳ ଓଲାଡ଼ ସ୍କୁଲ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଆ ହେଇନି, ସେ ତା କ'ଣ କଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଜାଣିନୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ନାଇଁଲେ କି? ଚାଉଳ ପ୍ଲସ୍ ରୋଷେଇ, ରୋଷେଇ ମାନେ ଦେଖିବେ 2 ଖଣ୍ଡ ଆଳୁ, 2 ଖଣ୍ଡ ବଡ଼ି, ଆଉ ପୁରା ଝୋଳ ପାଣି ସାର ଶୁଖିଲା ଚତଳା ଭାତ ଖାଇକି ଶୁଖିବା ଯିବେ। ସେ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ସେସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା। ଯେଉଁଦିନ 40 ପିଲା ଆସିଥିଲେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗେଇନୁ ବୋଲି କହିଲେ, ସେଦିନ ମୁଁ ଜଗତସିଂହପୁର ଯାଇଥିଲି। ସାର୍, ଡ୍ରେସ୍ ଯେଉଁ ପଛରେ ଯେଉଁ 4 ଜଣଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍ ଦିଆହେଇଛି, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡ୍ରେସ୍ ଥିଲା, ସେଥିରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବି, ତାଙ୍କ ଝିଅ ବି ଅଛି। ଯେଉଁ 4 ହଳ ଡ୍ରେସ୍ ପଛରେ ଦିଆହେଇଥିଲା, ସେଇ ଡ୍ରେସ୍ 4 ହଳ ହିଁ ଖରାପ ପଡ଼ିଛି। ଯାହା ଯାହା ସମସ୍ୟା ରହିଛି ମୁଁ ସମାଧାନ କରିବି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମାଧାନ କରିବି। ମୁଁ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ବସିକିରି ସବୁ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିବି, ଯାହା ଯାହା ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ। ବଲାଙ୍ଗୀର ସହରରେ ପ୍ରଥମ ଘରୋଇ FM ରେଡ଼ିଓ ଷ୍ଟେସନର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଜି ବିଶ୍ୱ ରେଡ଼ିଓ ଦିବସ ଅବସରରେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ FM ରେଡ଼ିଓ 89.1 ବ୍ରଡ଼ବ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଏହି ନୂଆ FM ଷ୍ଟେସନର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ହଳଧର ନାଗ ଏବଂ ବଲିଉଡ୍ ତାରକା ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ପୁରୁଣା ଦିନ ଫେରୁଛି। ଲୋକେ FM ରେଡ଼ିଓରେ ବିଭିନ୍ନ ମନୋରଞ୍ଜନଧର୍ମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣିବା ସାଙ୍ଗକୁ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତିଭା, ଜଳବାୟୁ, ଚାଷ, ଶିକ୍ଷା, ସଂସ୍କୃତିକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବେ ଏହା ବଲାଙ୍ଗୀର ସହର ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଏଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ତାଙ୍କ ନାମକରଣ କରିଦେଇଛୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ FM। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନେ, ଆଉ ଆମ ଟେକ୍ଲାଇନ୍ ରଖାହେଇଛି ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍, ମାନେ କମନ୍ ପିପୁଲ୍ର ଯେନ୍ତା ଭଏସ୍ ହେଇପାର୍ବା ତାହାକେ ଲାଗି ଏଇଟା କରାହେଇଛେ। ଆଉ ଏଇଟାକେ ଆମେ ବାସ୍ତବିକ ରୂପରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରାଯିବା, ସାଧାରଣରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରାଯିବା। ଆଉ ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ୱାନ୍ସ ଇନଭଲ୍ଭ ହେବେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଥିରେ ଆଉ ମାନେ ଆଉ କୌଣସି ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ନହୁଏ, ଇଟ୍ସେଲ୍ଫ ଗୋଟେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ହେବା। କନସେପ୍ଟ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଆଉ ଫ୍ୟୁଚର୍ ବ୍ରାଇଟ୍, ଏଥିପାଇଁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛେ FM ରେଡ଼ିଓର ଟାଇମ୍ ଚାଲିଛେ, ମୋଷ୍ଟଲି ଟେଲିଭିଜନର ଟାଇମ୍ ଖତମ ହେଉଛେ, ବଟ୍ ରେଡ଼ିଓର ଟାଇମ୍ ପୁଣି ଥରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ସେ ଟେଲିଫୋନ୍ରେ ବସିକିରି ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍, ରେଡ଼ିଓର ବି ଶୁଣୁଛନ୍ ସେଥିରେ, ସୋ ଫ୍ୟୁଚର୍ ବହୁତ ବ୍ରାଇଟ୍ ଅଛେ। ଆଣ୍ଡ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଷ୍ଟେପ୍ କି ଆମେ ଆମର କଥା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇ ପାର୍ମା, ଆମେ ଆମର କଲଚର୍, ଆମର ଆର୍ଟ, ଆମର ରହନ ସହନ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମର ଆଜିକାର ଜେନେରେସନ୍କେ ବତେଇ ପାର୍ମା। ତାରକାଙ୍କ ମେଳରେ ରଙ୍ଗୀନ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା ଯାଜପୁର ମହୋତ୍ସବର ପଞ୍ଚମ ସନ୍ଧ୍ୟା। ମାଳମାଳ ଓଲିଉଡ଼ ତାରକାଙ୍କ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏବଂ ଡାଇଲଗ୍ ସହିତ ମଞ୍ଚରୁ ଭାସି ଆସୁଥିଲା ବଲିଉଡ଼ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଶ୍ରେୟା ଘୋଷାଲଙ୍କ ସୁମଧୁର ଗୀତ। ଗୀତର ଲହରୀ ସହିତ ନାଚି ନାଚି ଝୁମି ଉଠିଥିଲେ ଦର୍ଶକ, ଆଉ ଶ୍ରେୟାଙ୍କ ଗୀତ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ମୋହିନେଇଥିଲା। ଜମୁଛି ଯାଜପୁର ମହୋତ୍ସବ ପଞ୍ଚମ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବଲିଉଡ଼ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଶ୍ରେୟା ଘୋଷାଲଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ଭାସି ଆସିଥିଲା ଗୀତର ଲହରୀ। ପ୍ରତିଟି ଗୀତ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ଛୁଇଁଥିଲା, ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକଙ୍କୁ ମତୁଆଲା କରିଦେଇଥିଲେ। ସେପଟେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ମାଳମାଳ ଓଲିଉଡ୍ ଷ୍ଟାରଙ୍କ ଡ୍ୟାନ୍ସ। ସାବ୍ୟସାଚୀ, ଅର୍ଚ୍ଚିତା, ଭୂମିକା, ପୁନମ ଓ ଶିବାନୀଙ୍କ ନୃତ୍ୟ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବିଭୋର କରିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କଳାହାଣ୍ଡି ସାଂସ୍କୃତିକ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଲିଉଡ୍ ଏବଂ ଓଲିଉଡ୍ର ଷ୍ଟାରଙ୍କ ଧମାକା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଯାଜପୁର ମହୋତ୍ସବ
ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମହାସମାରୋହ ହେଇଛି, ମହାସମାରୋହରେ ସବୁତକ ବହୁତ ବଡ଼, ମାନେ ଦର୍ଶକ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଯେତିକି ବଡ଼ ସେତିକି ବଡ଼ ଷ୍ଟେଜ୍, ଆଉ ସେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସବୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବି ହେଉଛି, ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଲକି ଫିଲ୍ କରୁଛି ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କଲାବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କର ରେସ୍ପନ୍ସ ଆମମାନଙ୍କୁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ପରଫର୍ମ କଲାବେଳକୁ ଇମିଡିଏଟ୍ଲି ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ରେସ୍ପନ୍ସ ଥାଏ ସେଟା ମିଳେ, ଆଉ ଖାସ୍ କରିକି ଯାଜପୁର ଲୋକଙ୍କ କଥା ହିଁ ନିଆରା, ସେମାନେ ଏତେ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ଥାନ୍ତି, ଏତେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଆପଣେଇ ଦିଅନ୍ତି, ତ ସେଟା ହିଁ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଥିଲା। ସୋ ଆଇ ଲଭ୍ ଇଟ୍। ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି, ଦର୍ଶକ ଆମକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଦର୍ଶକ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଚିୟର ଅପ୍ କରୁଥିଲେ, ତ ଗୋଟେ କଳାକାର ପାଇଁ କି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହିଁ ଏଇଟା ଯେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଇଭେଣ୍ଟରେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପାଖରୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ବହୁତ ପାଖରୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେପଟେ ବାଳାଶ୍ରମ ପଡ଼ିଆରେ ମେଳା ବୁଲିବା ସହିତ ବଲିଉଡ୍ ଏବଂ ଓଲିଉଡ୍ ଷ୍ଟାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମଜା ନେଇଥିଲେ ଦର୍ଶକ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଆଣ୍ଡ ଆଗକୁ ଏମିତି ସାରା ମହୋତ୍ସବ ହଉ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ମହୋତ୍ସବ ହଉ, ଆଣ୍ଡ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଏନ୍ଜୟ କରୁ, ତେଣୁ ଯାଜପୁରର ଆହୁରି ଅଧିକା ଉନ୍ନତି ହଉ। ଯାଜପୁରର ଯଦି ଦେଖିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୟୋଗଶାଳା ହେଇଛି, ସେ କୁସୁମା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯାଜପୁର ମହୋତ୍ସବ ମହୋତ୍ସବ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭାରତ ବର୍ଷରେ କୋଉଠି ହେଇନଥିବ। ଯାଜପୁର ଆମ ପାଇଁ ଆମେ ଯାଜପୁରିଆ ନେଇକି ଆମେ ଗୌରବ ବଢି ସାରିଛି, ଏଇଟା ଲୋକଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ସଚେତନତା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ତେଣୁ ମୋର ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଦୃଢ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମର ଏଇ ଯାଜପୁର ଗୌରବ ଦିନକୁ ଦିନ ଆହୁରି ବଢିବ। ବଲିଉଡ୍ ଓ ଓଲିଉଡ୍ ନାଇଟ୍ ଦେଖିବାକୁ ଯାଜପୁର ସମେତ ପଡ଼ୋଶୀ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ହଜାର ହଜାର ଦର୍ଶକ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଯାଜପୁରରୁ ସୁଜିତ ମଲ୍ଲିକ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।